दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो एक दूसरे की मदद करना सीखें। इससे अच्छी बात के साथ मैं एमरोज रॉबिन आपको आज के शो में वेलकम करता हूँ। चले मिलते हैं ऑगस्टिन से। थैंक यू सो मच एमरोज जी। दोस्तों, मैं भी एक मरतबा फिर आपको पूरे अपने दिल से आज के इस खास और बहुत सीखने वाले एपिसोड में खुशामदीद और वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप ठीक ठाक हैं, अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं, हमारे एपिसोड्स को हर हफ्ते सीखते हैं और थैंक यू करते हैं। आप हर हफ्ते का हमें अच्छा फीडबैक देते हैं, हमारे हौसलों को बुलंद करते हैं। आज भी एक बहुत खास एपिसोड आपकी खिदमत में रखने जा रहे हैं, बहुत खास एपिसोड आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ चलें, आपकी एक बहुत अच्छी टीम से मुलाकात करवाने जा रहे हैं। मैं बड़ी खुशी के साथ आज वेलकम करता हूँ हमारे स्टूडियो में आज पूरे दिल से कि बैक स्क्रीन ऑफ स्क्रीन जो प्रोडक्शन टीम है वो सारी हमारे साथ बैठी हुई है। इनकी वजह से हम ऑन स्क्रीन आते हैं। आए मिलकर पहले मुलाकात करते हैं टीम से। सबसे पहले हैं हमारे साथ मून गुलजार। मून भाई, हम पूरे दिल से आपको हमारे शो में वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको हमारे शो का हिस्सा बनके? इनफैक्ट आपका शो का हिस्सा बनके? हम क्या शुक्र है, पूरे दिल से यकीनन हमारा अपना शो है। यस, बिल्कुल, खुदा के फजल करम से। और हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आप सबकी मेहनत के वसीला से हम अपने दोस्तों का ऑन स्क्रीन जाते हैं और आगे सीखने के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। मोहन भाई बहुत अच्छे एडिटर हैं, मोहन भाई बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, मोहन भाई साउंड का बहुत अच्छा काम करते हैं और पूरे दिल से के आगाज के जितने भी एपिसोड गए हैं वो मोहन भाई के हाथ से ही आगे गए हैं। मोहन भाई ने इन्हें शूट किया और हम दिल से आपको अप्रिशिएट करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ है हमारे साथ सेट पर बैठे सरफराज भाई। सरफराज भाई को वेलकम करते हैं। सरफराज भाई, आपको हम दिल से वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच, आपको हम दिल से अप्रिशिएट करते हैं। सरफराज भाई, हमने अपने पहले 2020 का जो पहला हमारा शो हमने किया था उसमें ही हमने आपको बताया जो ये सेट नया आपको नजर आ रहा है। इससे पहले वाला भी जो हमारा सेट था, सेट का सारा वर्क सरफराज भाई करते हैं, लाइटिंग का सारा वर्क सरफराज भाई करते हैं, कैमरे को ऑपरेट सरफराज भाई करते हैं, साउंड का सारा काम सरफराज भाई करते हैं। और ऐसे ही मल्टी टैलेंटेड हमारे साथ टीम जो बैक स्क्रीन रहकर हमारी सपोर्ट करती है और जिनके वसीला से हम आगे बढ़ते हैं। सरफराज भाई, दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, दिल से आपको अप्रिशिएट करते हैं। आए मिलकर इसी के साथ मुलाकात करते हैं एमरोज से। आपको भी वेलकम कहते हैं। थैंक यू कस्टमर। कैसा लग रहा है आपको आप ही का शो में बैठकर? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और मैं तो एक्चुअली एरिक से और आज से भी बात यही करता था कि बहुत मेहनत करते हैं इस शो में। यस, और आपकी बहुत मेहनत इस गाहे बगाहे शो में नज़र आती है। एमरोज भी बहुत अच्छे एडिटर हैं। एमरोज, जितनी भी हमारी आउटडोर रिकॉर्डिंग होती है ज़्यादातर एमरोज और सरफराज में मिलकर करते हैं और हम दिल से शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे साथ बहुत बैक स्क्रीन पर और भी बहुत सारी टीम हमारे साथ है जो हमें सपोर्ट करती है और जिनकी सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं और इस लाइक बनते हैं कि अच्छी स्क्रीन में अच्छे फ्रेम में आपको नज़र आने वाले हों और मिलकर सीखने सिखाने वाले प्रोसेस के लिए आगे बढ़ने वाले हों। मोहन भाई, वापस आपके पास आता हूँ। मुझे ये बताएं, इस फील्ड में कितना टाइम आपको हो गया? प्रोडक्शन की टीम फील्ड में एज एडिटर एज डायरेक्टर कितना टाइम आपको हो गया? देखो, 15 से 16 साल हो गया। वाह, और जैसा मैंने बताया पूरे दिल से के आगाज के एपिसोड सारे आपके हाथ से निकले, आपने शूट किया, आपने डायरेक्ट हमें किया और आपने बताया ये फ्रेम अच्छा आ रहा है, इसको ऐसे तरह करें, इस तरफ पोर्शन कम करें, इस तरफ ज़्यादा देखें। तो कैसा लग रहा है आज 82 एपिसोड हम कर रहे हैं आपके साथ मिलकर, सारा कैसा एक्सपीरियंस है? यस, पूरे दिल से के बारे में क्या कहेंगे आप? पूरे दिल से एक बहुत बेहतरीन शो है जो यूथ को मोटिवेट करता है कि वो खुदा जैसे की तरफ आए। मैं बड़ा अपने लिए फख्र महसूस करता हूँ कि खुदा ने मुझे फजल दिया कि मैं शो का हिस्सा हूँ। बिल्कुल, बैक स्क्रीन भी और अभी स्क्रीन में। यस, और हम भी दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सरफराज भाई, आपके पास वापस आते हैं। खुदा के फजलो करम से मैं ये जानता हूँ बात को कि जब हमारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था उससे पहले दिन रात की हमने मेहनत इस पर की, स्पेशली जो सेट हमारा आज दोस्तों को इतना पसंद आता है। तो दोस्तों, आपको ये दिल से बात बता रहा हूँ, हमने ना देखा दिन है ना देखी रात है। स्पेशली मैं तो क्योंकि सरफराज भाई की सिर्फ हेल्प करता था, सारा काम सरफराज भाई ने खुद करते थे और मुझे पता है हमने इतनी मार्केटों का चक्कर लगाया, कोई हमने नहीं देखा कि हमारी तबीयत ठीक है तबीयत ठीक नहीं है। तो ये इसलिए कि हम एक अच्छे प्रोजेक्ट को यूथ के लिए बनाने वाले हों, एक अच्छे प्रोजेक्ट को आगे आने वाले हो जिसके वसीला से हम भी मोटिवेट हो, हम भी बहुत सी बातों को सीखने वाले हो और हमारे वसीला से आप भी बहुत सी बातों को सीखने वाले हो। सरफराज भाई, दिल से एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे बताएं कैसा सफर रहा आज फर्स्ट एपिसोड से लेके एपिसोड नंबर 82 रिकॉर्ड आपके साथ कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? जी अगस्टिन, बहुत अच्छा तजर्बा रहा। प्रोग्राम के स्टार्ट पे हमने जो मेहनत की उसका हमें ये मिला कि आज जो लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं और काम को पसंद करते हैं, काम को पसंद करते हैं। बिल्कुल, और इसमें जितनी हमारी एफर्ट है उससे बहुत बढ़कर आपकी भी एफर्ट है क्योंकि आप इतना अच्छा काम करते हैं, इसी वजह से हम लाइक इस होते हैं कि हम आगे ऑन स्क्रीन जाने वाले हों। फिर से आपको कह रहा हूँ
कि जब आगाज़ हमने किया इस शो का तो इतने सारे हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिस किस्म का ये सेट हमने डिज़ाइन किया या करने की कोशिश की जो आपको आज इतना पसंद आ रहा है, उसमें बहुत सारी मरतबा हमने बहुत से चैलेंजेस को फेस किया। तो हमारी सोचों में ये ख्याल था कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, या हमें फॉर्मेट चेंज कर लेना चाहिए या किसी और सेट की तरफ जाना चाहिए, लेकिन वही बात है, कोशिश करना हमारा काम है, नतीजा देना खुदा का काम है। हमने अपने नतीजे नहीं देना कि हम फिनिश नहीं कर सकते काम को या किसी भी काम को करते करते जब हम नहीं कर पा रहे तो हमने ये नहीं कहना कि बस ये नहीं हो सकता। कोशिश आपने करते रहना है, नतीजा खुदा ने देना है, और कितनी शुक्रगुजारी की बात है, हम तो दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा ने नतीजा जो हमें दिया वो ये दिया कि आप इतना ये प्रोग्राम पसंद करते हैं, और आज हम फख्र से कहते हैं कि ये सिर्फ हमारा प्रोग्राम नहीं, ये आपका भी प्रोग्राम है, और सिर्फ हम नहीं बल्कि आप खुद भी कहते हैं कि ये आपका प्रोग्राम है, ये यूथ का प्रोग्राम है। हमने मिलकर यूथ को सपोर्ट करना है, क्योंकि आज की यूथ को सपोर्ट करेंगे, आज की यूथ को आगे बढ़ाएंगे तो आने वाली नस्लों को बेहतर बना लेंगे। अमरोज आपके पास आता हूँ, मुझे बताएं कैसा आपको लगता है पूरे दिल से की टीम में काम करके? ऑगस्टिन बहुत अच्छी फीलिंग्स है, ये तो मैं बयान में नहीं कर सकता। और सबसे अच्छी बात यह है ऑगस्टिन कि इसमें हम काफ़ी डिफरेंट सेगमेंट्स करते हैं, और जो कि हम आउटडोर भी जाके करते हैं, इनडोर करते हैं, और इन सारी चीज़ों में बहुत मज़ा आता है करने का। और मुझे ये बताएं, क्योंकि आप अच्छे कैमरा मैन हैं, आपको इनडोर काम करने का ज़्यादा अच्छा लगता है या आउटडोर काम? आउटडोर काम करने का बहुत मज़ा आता है। और क्या कहेंगे आप उन दोस्तों को जो इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं? जी ऑगस्टिन, अपने दोस्तों से बस एक ही बात करना चाहूँगा कि आप जो भी फील्ड चूज़ करें अपनी लाइफ में, उस फील्ड में पूरे दिल से काम करें, उस फील्ड को ऐसे छोड़े ना। पूरे दिल से करें और खुशी के साथ करें, अपने चेहरों पर स्माइल रखकर करें, बड़ी मोटिवेशन को हासिल करके करें, जो भी काम करें, जिस भी तरफ आप आगे बढ़ें। अलबत्ता तो हम बार बार आप कहते हैं आप कुछ करें ताकि आप कुछ बनें, कुछ करेंगे तो कुछ बनेंगे, बिना कुछ किए आप कभी भी कुछ नहीं बन सकते। हमेशा अपने अंदर हौसला रखा करें। 2020 में फिर से आपको कह रहे हैं अपने आप को इस लाइक बनाएं कि आपने बहुत सारे उन कामों को करना है जिनके बायस आज आप अपने घराने को सपोर्ट करने वाले हों, आप अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करने वाले हों, आप अपने माशरे को आगे बढ़ाने में अपना अच्छा हिस्सा अदा करने वाले हों। मोहन भाई, जाते जाते एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं लव पर, ट्रू लव पर। दुनिया में बहुत सी हमें कहानियाँ मिलती हैं जिनका एक आगाज़ होता है और एक खत्म होता है, जो मोहब्बत की कहानियाँ, जो आज लोगों को, बहुत सारे लोगों को तो बहुत बहुत कहानियाँ याद भी हैं, लेकिन आज उस कहानी की नहीं बल्कि उस हकीकत की बात करने लगे हैं हम। दुनिया की जो हकीकी मोहब्बत है, जो खुदा की मोहब्बत हमें मिली मसीह के वसीला से, आज हम बात कर रहे हैं रोमियो 5 बाप उसकी 8वीं आयत पर, कि जब हम गुनहगार ही थे तो खुदा की खूबी हम पर यूँ ज़ाहिर हुई कि ऐन वक्त पर मसीह यसू हमारी खातिर आया, और मसीह यसू ने अपनी जान का फदिया दिया था ताकि हम ज़िंदगी बचा सकें। इस आयत को लेकर आप क्या दोस्तों से बयान करना चाहेंगे, या आपके नज़दीक इस आयत का क्या मतलब है? सबसे पहले तो ये मैं बयान करना चाहूँगा कि इस आयत के अंदर हमें बताया जा रहा है कि इंसान गुनहगार है। यस, इंसान कामिल नहीं है। और फिर खुदा की जो सिफत है वो है मोहब्बत करना। चाहे हम खाकसार हैं, गुनाहगार हैं, फिर भी खुदा हमसे मोहब्बत करना तरक नहीं करते। और कामिल हम नहीं हैं, कामिल खुदा है, खुदा की ज़ात कामिल है। और जब हम नाकामिल हैं, कामलियत तक नहीं पहुँचे, गुनाहगार हैं, तो खुदा ने हमारी गुनाहगार हालत के अंदर भी हमसे मोहब्बत करना छोड़ी नहीं, बल्कि अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया और भेजा। बेसिकली इधर हमें इस आयत के अंदर हमें कुर्बानी का भी उनसर नज़र आ रहा है कि जी मोहब्बत जो है वो कुर्बानी देती है, और अगर मोहब्बत के अंदर कुर्बानी नहीं तो वो फिर सूखी मोहब्बत होगी, वो असल मोहब्बत नहीं। और जो मैं समझूंगा खुदा वाली मोहब्बत है, दुनियावी मोहब्बत नहीं, खुदा वाली मोहब्बत जो उसके अंदर कुर्बानी लाजमी जो है। तो आप भी मोहब्बत के अंदर अपने आप को कुर्बान करने तक की बात करें, क्योंकि हमें किताब मुकद्दस में यही तालीम दी गई है कि मसीह ने अपने आप को हमारी खातिर कुर्बान किया। और जब भी हमें मसीह ने हमारी खातिर अपने आप को कुर्बान किया, तो हमें भी ज़रूर है कि अपने बदनों को, जैसे खुदा के बंदा पौलुस लिखते भी हैं रोमियो 12 के अंदर, कि अपने बदनों को जिंदा और पाक और बेऐब कुर्बानी की तरह हमें पेश ताकि खुदा को पसंद करें। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने पहले बताया कि हम जो मेहनत करते हैं उसका अजर खुदा की तरफ से अता होता है, इसके बारे में खुदा के बंदा सुलेमान लिखते हैं इंसान की किताब के अंदर, जंग के लिए घोड़ा तैयार किया जाता है मगर फतह मंदी खुदा की तरफ। तो मेरे अजीजों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, मैं ये बात शेयर करना चाहूँगा कि हमें अपनी तरफ से एफर्ट कम्प्लीट करनी है, अपनी तरफ से एफर्ट नहीं छोड़नी, उम्मीद नहीं छोड़नी, एफर्ट कंप्लीट करनी है, पूरे पूरे करना है काम जो हमारे पुर्द है, वो काम हमने कंप्लीट करना है, कामयाबी खुदा की तरफ से अदा हो। ऐसा नहीं कि जनाब मैं कोई काम करना चाह रहा हूँ, कोई बिजनेस करना चाह रहा हूँ और मैं
नाकाम होते होते छोड़ दूँ उम्मीद कि हाँ भाई मैं अब तो नाकाम होता जा रहा हूँ, एफर्ट करना नहीं छोड़े हैं भाई, काम करते जाएँ करते जाएँ करते जाएँ, और एक दिन ज़रूर आएगा जब भी आप कामयाब होंगे, क्योंकि कामयाबी अता करना खुदा उनका काम है, हमारा काम नहीं कामयाबी को लेना, खुदा उनका अता करते तो कामयाबी मिलती है। यस थैंक यू सो मच, दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं सरफराज भाई, आपका शुक्रिया अदा करते हैं अमरोज़, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और दोस्तों आपका भी एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हैं। इस टॉपिक में बहुत सी बातें लेकर आएंगे, अपनी टीम के साथ मिलकर आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करेंगे। आज दुनिया में बहुत सी हमें मोहब्बत की कहानियाँ मिलती हैं, और ऐसी ऐसी कहानियाँ भी मिलती हैं कि हम दूसरों को मिसालें देते हैं कि अगर मोहब्बत करनी तो ऐसे ही करें, उन कहानियों की जिनकी कोई हकीकत नहीं होती। आज इस एपिसोड में आपको ज़रूर सिखाने की कोशिश करेंगे, ये जो हकीकत आपको बयान करने लगे हैं मोहब्बत की हकीकत जा रहे हैं, जैसा मून भाई ने भी बताया, हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि इस हवाले को लेकर इस आयत को, जो हमारी ज़िंदगियों में इस आयत का मतलब है, जो हमारी ज़िंदगियों में इस आयत का मकसद है, वो भी हम आपको बताएं कि हमारी ज़िंदगियों में इसके क्या महकूम है, और ज़रूर आपको ये सिखाने की कोशिश करें कि आज उस मोहब्बत में आना है जो मोहब्बत कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, जिस मोहब्बत का कोई इख्तिताम नहीं है, जिस मोहब्बत में कोई भी वो बात नहीं है कि मैं करूँगा तो तुम भी करो, तुम करो तो मैं भी करूँगी, बल्कि ये वो मोहब्बत है जो उसने ऑलरेडी सब कुछ कर दिया है। बने रहें इस शो से, बहुत कुछ बातें सीखेंगे। आए मिलकर एक दोस्त से आपकी मुलाकात करवाते हैं, हम काहे बगाहे आपके टेक्स्ट मैसेजेस ऐड करते हैं, आज एक वीडियो मैसेज के वसीला से एक दोस्त से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो PDS के लिए क्या डिजायर रखते हैं, किस तरह PDS को लेते हैं, या यूथ से क्या कहना चाहेंगे। पाकिस्तान टूर पर ये अच्छा सा सेगमेंट, छोटा सा सेगमेंट एक दोस्त के साथ हमने रिकॉर्ड किया था, वो देखें, फिर वापस आकर टीम से मुलाकात करते हैं और इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। दोस्त क्या नाम है आपका? मेरा नाम शानी मुख्तार है। शानी मुख्तार, शानी क्या करते हैं आप? मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ। वेरी गुड, वीडियो एडिटिंग करते हैं, कितने सालों से करते हैं? मुझे तकरीबन 5 साल हो चुके। वाओ, मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। तो शानी किस तरह इस फील्ड में आपने कदम रखा? इस फील्ड में मुझे वहाँ फौजी और पास्टर ने फजल लेके आए, और मैं उनके बदौलत पर यहाँ आया था। एज़ टीवी में वीडियो एडिटिंग करता हूँ। आप एज़ टीवी में वीडियो एडिटिंग करते हैं? जी सर। वेरी गुड, तो शानी पूरे दिल से देखते हैं आप? सर बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली है। कैसा लगता है पूरे दिल से शो आपको? बहुत अच्छा। कुछ सीखने को मिला पूरे दिल से? जी बहुत ज़्यादा, और ये यंग जनरेशन के लिए बहुत अच्छा मैसेज है पूरे दिल से वो देते हैं। थैंक यू सो मच। और यंग जनरेशन को क्या मैसेज देंगे आज आप? यंग जनरेशन को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप पूरे दिल से आप स्टडी करें और खुदा के साथ दिल लगाएं। बहुत अच्छी बात है। चले थैंक यू सो मच शानी, हमारी भी पूरे दिल से दुआ है कि आप बहुत तरक्की करें, अपने लिए अपने घराना के लिए बहुत तरक्की का बायस बने, अपना ख्याल रखें। थैंक यू दोस्तों, हम फिर से कह रहे हैं गाहे बगाहे हम अपने दोस्तों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे, जो PDS के फ्रेंड्स हैं हम ऑन स्क्रीन भी लेकर आएंगे और आपसे मिलवाते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, मुलाकात करते हैं मेन डेस्क पर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन मेन डेस्क। थैंक यू वेरी मच शानी इतने खूबसूरत लफ्जों के लिए जो आपने हमारे शो पूरे दिल से के लिए कहे। ऑगस्टिन मैंने बड़ा एंजॉय किया, हमारी प्रोडक्शन टीम आज हमारे मेन डेस्क पे थी और बड़ी इंटरेस्टिंग जो बातें उन्होंने की मुझे बड़ी खुशी मिली। और आपको तो अच्छी तरह पता है कि सरफराज भाई को स्क्रीन पे लाना कितना मुश्किल काम है, बेहद मुश्किल, और उनसे बुलवाना कितना मुश्किल काम है। तो हम एक मरतबा फिर आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अब जल्दी से बात करते हैं टॉपिक पर। एरिक मैंने जाते जाते दोस्तों को बताया कि आज हम बड़े खास टॉपिक पर बात कर रहे हैं। दुनिया में बेशुमार मोहब्बत की कहानियां हमें नजर आती हैं, और हमारे दोस्तों कई ऐसे भी हैं जो उन मोहब्बतों की कहानियों को आज मिसाल बनाकर दूसरों को मोटिवेट करते हैं। हमें बहुत सी ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं, लेकिन आज मैंने दोस्तों को बताया हम किसी कहानी की नहीं बल्कि हकीकत की बात करने जा रहे हैं। हकीकत की मोहब्बत की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जो दुनिया से खुदा ने की, और उसी मोहब्बत के बायस आज हम इस लाइक बने कि हम शो कर रहे हैं, हमारे दोस्त इस लाइक बने कि वो शो देख रहे हैं। बहुत सारी बातें मेरा ईमान है आज हम मिलकर अच्छी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने बाकी दोस्तों को वेलकम कहते हैं। सबिन क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगस्टिन आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको 2020 के फर्स्ट शो में, आपका फर्स्ट शो है जो, उसमें खुशामदीद और वेलकम कहता हूँ। थैंक यू सो मच अगस्टिन, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब 2020 के फर्स्ट एपिसोड में जो कि न्यू सेट के साथ हैं, और हमारी पूरी टीम की बहुत एफर्ट्स है, और आई रियली अप्रिशिएट एवरीवन। आपको सेट कैसा लगा? बहुत अमेजिंग। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। राबेल आपको भी वेलकम कहते हैं, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको भी हम दिल से खुशामदीद कहते हैं, आप भी अपने ख्याल बताएं। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि 2020 में फर्स्ट टाइम मैं अपनी टीम के साथ नए सेट पर, और yes. इसमें बेशक हमारी टीम की बहुत मेहनत है और बहुत अच्छा इन्होंने काम किया, तो मैं बहुत खुश हूँ पूरे दिल से। थैंक यू सो मच, पूरे दिल से खुश भी रहना चाहिए। एरिक वापस आपके पास आता हूँ, आप मुझे ये बताएं, हमने आज बात कर रहे हैं रोमियो 5 बाब उसकी 8वीं आयत पर, खुदा की खूबी हम पर यूं जाहिर हुई जब हम गुनहगार ही थे, तो ऐन वक्त पर मसीह यीशु हमारी खातिर आया और मसीह यीशु ने हमारे लिए जान दी ताकि उसके जानदानी से हमें ज़िंदगी मिले। मुझे ये बताएं आपके नज़दीक मोहब्बत की क्या तारीफ है?
अवश्य मोहब्बत जो है ना ये एक माफ़ी का नाम है, मोहब्बत जो है ना इसमें माफ़ी का तस्वुर नज़र आता है, यानी मोहब्बत हमेशा बढ़कर की जाती है, किसी की खताओं को ढांप देना, किसी की खता को छोड़कर और उसको माफ़ कर देना, ये मोहब्बत का मुजाहरा है। जब मैं मुझे किसी से मोहब्बत है, वो मेरा भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और उस शख्स में बहुत सारी खामियां या वो मेरे लिए मसले का या मेरे लिए नुकसान का बायस बन रहा है, लेकिन मैं उन सब चीज़ों को भूल कर उसको माफ़ कर रहा हूँ उस बड़े नुकसान के बाद भी, तो ये मोहब्बत है। और मोहब्बत है ही माफ़ करना, मोहब्बत है ही किसी को कबूल करना दिल से, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। और सबसे बड़ी मोहब्बत की मिसाल जो नज़र आती है ना, वो हमें खुदावंद खुद नज़र आता है। और खुदावंद ऐसी मोहब्बत करता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो गुनहगार हैं, जो ना जाने किस लेवल पर हैं। हम मैं अपनी बात करूँ तो मैं शायद खुदावंद के लेवल का नहीं हूँ, मैं खुदावंद को पसंद आने के शायद उस लेवल का नहीं हूँ, लेकिन खुदा की इतनी बड़ी मोहब्बत है कि खुदा मुझसे मोहब्बत रखता है। और शायद यही सबसे बड़ी मिसाल है कि खुदावंद खुद मोहब्बत है। बिल्कुल, और ये तो कलाम भी बार बार इस पर गवाही देता है कि हम इस लाइक नहीं थे कि उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर पाएं या उसकी मोहब्बत में आ जाएं। ये उसकी फेवर है हमारे लिए, ये उसका रहम है हमारे लिए कि जब हम गुनाहगार ही थे, जब ना हमारा वजूद था, ना हमारे बड़ों का वजूद था, ना हमारी नस्लों नस्लों का वजूद था, तभी खुदा ने ऐसा मनसूबा बना लिया। खुदा को पता था कि वो ही आकर हमें बचा सकता है और उसी की मोहब्बत इस लाइक हमें बना सकती है कि हम दोबारा से उठ जाए। उसी की मोहब्बत हमें इस लाइक बना सकती है कि जिस तारीके में हम फंस गए थे और जिस तारीके से निकलने का कोई भी वसीला नहीं था, वो खुद नूर बनकर आए और हमारी तारीके को ख़त्म करे और हमें नूर में ले आए। ये मोहब्बत नहीं बल्कि मोहब्बत के इंतहा है, और उसी मोहब्बत के इंतहा को आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि यूथ में आज बहुत कम ये बात नज़र आ रही है जो हम बात कर रहे हैं। हमारे चर्चेस से यूथ बहुत पीछे है, और इसकी वजह ये भी है कि यूथ शायद इंटरेस्ट नहीं ले रही, और इसकी वजह ये भी कि यूथ को आगे बढ़ाया नहीं जा रहा। ये बात बेहद ज़रूरी है, अपने लीडर से दरख्वास्त कर रहे हैं, अपनी कलीसियाओं को, अपनी यूथ को बताएं कि अगर इस मोहब्बत में आ गए तो लिख लें ये बात, ज़िंदगी के हर मामले में आप तरक्की करेंगे, हर कदम पर आगे आप बढ़ेंगे, क्योंकि आप उसकी मोहब्बत में हैं जिसकी मोहब्बत के बायस आज हम सब ज़मीन पर मौजूद हैं। अरे कितना ज़रूरी है, मसीह ने तो अपनी मोहब्बत के हम पर यूँ जाहिर कर दी कि जब हमारा स्टेटस ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, तभी हमें बचा लिया और एक बड़ा बहुत बड़ा फसल हम पर कर दिया, जिसको हम अल्फाजों में कभी भी बयान नहीं कर सकते। मुझे ये बताया आज हम जो हमारी टाइटल वर्स है रोमन 5:8, वो आयत आपकी नज़दीक में ज़िंदगी में उसका क्या इम्पैक्ट है, या वो आपके लिए किस क्या मायने है उस आयत के? अगर मैं इसको एक तरतीब से समझाना चाहूँगा, ये आयत मेरे दिल के बड़े नज़दीक है, और ये आयत दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट्स। उसकी वजह यह कि इसमें बड़ी खूबसूरत खुदा की मोहब्बत को और खुदा के अदल दोनों चीज़ों को बयान कर दिया गया। खुदा, आपको याद होगा जब मीडिया ट्रेनिंग हो रही थी मेरी, तो हमने एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड सीखे थे, और मैंने अपने जब हमारी मैम गैबी मेरी टीचर जब आई थी तो तब भी मैंने बताया था। तो एट्रीब्यूट्स यानी खुदा की खसूसियात में, अनगिनत खसूसियात में से दो खसूसियात बड़ी अहम है, और वो ये है कि खुदा मोहब्बत है, रहम मोहब्बत करता है, मोहब्बत का जैसे मैंने बताया कि माफ़ करने का नाम है, खुदा मोहब्बत है, वो माफ़ भी करना चाहता है, वो माफ़ करके हमें बख्श देना चाहता है। और दूसरा जो मेन पॉइंट है, जो अहम तरीन खसूसियात में से अहम तरीन खसूसियत है खुदा की, वो ये कि खुदा आदिल और मुनसिफ, यानी वो अदल भी करना चाहता है। तो दोनों चीज़ें ये बड़ी बैलेंस नज़र आती हैं। अगर खुदावन किसी फरिश्ते को या आदमी को कुर्बान करता माफ़ी के लिए, तो ये अदल का तकाजा तो पूरा हो जाता, क्योंकि कुर्बानी देकर ही माफ़ी मिलती थी, और कुर्बानी का खुदा ने हुक्म इसलिए दिया था, लोगों को सिखाना चाहता था खुदा कि कुर्बानी के बगैर माफ़ी नहीं है, इसलिए बनी इसराइल को हम बारह बार कुर्बानियाँ देते थे वो बछड़ों की। तो किसी फरिश्ते या किसी आदमी को खुदा अगर कुर्बान करता लोगों के लिए, तो शायद अदल का तकाजा पूरा हो जाता कि माफ़ी मिल जाती, क्योंकि कुर्बानी ज़रूरी थी, लेकिन यहाँ खुदा की मोहब्बत नज़र नहीं आ रही थी। यानी खुदा को खुद ही जिम्मेदारी लेनी थी उस माफ़ी के लिए, और उस बड़ी बात को, उस मोहब्बत को और कुर्बानी को हम कहाँ देखते हैं, उस अदल इंसाफ को कहाँ देखते हैं, इस आयत में नज़र आता है कि बस खुदावंद अपनी मोहब्बत की खूबी, वो सारी मोहब्बत की खूबी हम पर इस तरह जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार थे, मसीह यीशु हमारे खातिर हुआ। कुर्बानी के जरिए से अदल खुदा का नज़र आ गया, और उसकी मोहब्बत की खूबी हमें यह नज़र आई कि उसने अपने ही बेटे को कुर्बान किया। कितना बड़ा फ़ख्र है, मैं समझता हूँ हमारे लिए, और कितना ज़रूरी है इस बात पर फ़ख्र करना, और कितना ज़रूरी है दूसरों को भी इसकी तालीम देना। सबिन, आपके नज़दीक रोमियो का खत उसके पाँचवें बाब की आठवीं आयत के क्या मायने हैं? अगस्टिन, हर वर्स को जब हम पढ़ते हैं उसके बीच में या उसके बैकग्राउंड में एक सिचुएशन होती है। इस वर्स को पढ़ने के बाद जो मेरे माइंड में क्लिक किया वो यही है कि यही इब्तिदा है और यही इंतहा है। बिल्कुल ऐसा। ये वो मोहब्बत है जिसके लिए हम कहते हैं ना कि एंड और इंतहा कुछ नहीं है। खुदा ने जब दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि अपना इकलौता बेटा हमारे गुनाहों को देखते हुए, हमारे गुनाहों को जानते हुए बख्श दिया, कुर्बान कर दिया, उस वक्त जब हम गुनाह में ही थे, तो ये वो मोहब्बत है जिसका कोई सानी ही नहीं है। मतलब खुदा ने हमसे वो मोहब्बत रखी है
के जिसमें हम किसी और को उसके लेवल या उसके बराबर रख ही नहीं सकते हैं। ये वो मोहब्बत है। इस आयत को पढ़ने के बाद हम दूसरी दुनियावी मोहब्बत की अगर बात करें, किसी और रिलेशन की बात करें जिसमें हम मोहब्बत को का लफ्ज इस्तेमाल करें, और यू नो कि बाइबल में तो खुदा की मोहब्बत के लिए लफ्ज अगापे यूज हुआ है, तो मतलब वो सबसे यूनिक है, उसका कोई नेमुल बदल ही नहीं है, उसके लिए हम कोई लेवल बराबरी का है ही नहीं। तो इस वर्ड्स में इंतहा की मोहब्बत है जिसके लिए हम, हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा, और दुनियावी मोहब्बत से तो मिसाल दे ही नहीं सकते हम आज, लेकिन दुनिया में अनफॉर्चुनेटली हम बेशुमार मिसालें देते हैं। हम ये ज़रूर अपने लोगों को कहते हैं या उनसे जो मोहब्बत करने का तकाजा करते हैं कि उन जैसी मोहब्बत करो, उनकी तरह वफादारी करो, उनसे ऐसे करो, लेकिन इस बात को कभी भी ना भूले। मैंने पहले ही बताया, हर एक मोहब्बत की कहानी का एक आगाज़ हुआ और एक इख्तिताम हुआ, लेकिन ये वो कहानी नहीं बल्कि ये वो हकीकत है जिसका ना कोई आगाज़ है और ना ही इसका कोई इख्तिताम होगा। इसकी मिसाल तो दें अपने दोस्तों को, इसकी मिसाल तो सिखाएं अपने बच्चों को, ये तो सिखाएं उन्हें कि यही तो मोहब्बत है जिस मोहब्बत के बायस आज हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, जिस मोहब्बत के बायस आज हम इस लायक बने कि हम दूसरों को दूसरी मोहब्बत की मिसालें दे रहे हैं। इस मोहब्बत की मिसाल देना शुरू करें और बताएं उनको कि अगर ये मोहब्बत नहीं तो किसी किस्म की हमारी जिंदगी का कोई भी एहसास नहीं, कोई वैल्यू नहीं, ना जमीन पर रहकर हम उसकी हजूरी में आगे बढ़ सकते हैं, ना इस जिंदगी के बाद हम इस जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो जिंदगी का जितना पीरियड आपका जमीन पर है, इस मोहब्बत को अपनी जिंदगी में पालें और इस मोहब्बत में बढ़ते हुए उसकी शुक्रगुजारी करें ताकि कसरत से आपकी जिंदगी में उसकी मोहब्बत नजर आने वाली हो। राबिल, आप भी मुझे बताएं आपके नजदीक इस आयत के क्या मायने हैं। जी अगस्तिन, मैं इसको जब रीड कर रही थी ऊपर की वर्सेस को, तो पॉलुस रसूल इसमें यही कह रहे हैं कि किसी इंसान के लिए जान दे देना तो बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर तो खुदा की मोहब्बत की बात आ रही है, और खुदा की मोहब्बत को और इस वर्स को मैं इस नज़र में लेती हूँ कि किसी इंसान के लिए किसी इंसान से मोहब्बत करना आई थिंक नॉर्मल है मेरी नज़र में, क्योंकि एक इंसान की मोहब्बत की एक लिमिटेशन है, या तो वो ज़्यादा हो जाएगी टाइम के साथ या तो कम हो जाएगी, लेकिन खुदा की मोहब्बत को अगर हम देख लें तो वो जैसे ही है वैसे ही रहेगी, वो लातब्दील है, और उसका तो किसी चीज़ या किसी दूसरी मोहब्बत के साथ कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकता और हो ही नहीं सकता। बाइबल में लिखा है कि कब्र में मर के कौन उसकी सताइश कर सकता है, कौन उसको याद कर सकता है। तो आज ये खुदावन का फजल है और खुदावन की मोहब्बत ही है कि हम लोग सांस ले रहे हैं, हम लोग सब यहाँ पर मौजूद हैं जिंदा। तो ये बहुत ही आई थिंक सेलिब्रेशन है कि अगर आज हम रोई ज़मीन पर जिंदा, तो खुदा की मोहब्बत को सेलिब्रेट हमें करना चाहिए, क्योंकि खुदावन की मोहब्बत है ही इतनी खूबसूरत चीज़ के उसका तो कोई कोई उसको डिफाइन ही नहीं कर सकता, और कोई उस मोहब्बत के लायक भी नहीं, और किसी को हम कंपेयर भी नहीं कर सकते उस मोहब्बत के साथ। और आज मैं समझता हूँ हमारी जिंदगियों में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगियों में चंद एक मुश्किलें आती हैं तो वो शायद खुदा को भूल जाते हैं, खुदा से शिकवे शिकायत कर जाते हैं। जबकि रोमियो का खत पांचवा बाब पढ़े तो उसकी इब्तदाई आयतों में ये तीसरी आयत है कि सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी उस पर फख्र करें और उसकी हजूरी में आगे बढ़ें ताकि उसकी शुक्रगुजारी में तरक्की करने वाले हों। एरिक, चंद मिनट हमारे पास रह गए हैं, इस हवाले से भी कुछ बातें बताएं, और ये भी मुझे बताएं कि नौजवान होते हुए आज कितना जरूरी है खुदा की मोहब्बत में तरक्की करना। बिल्कुल अगस्टिन, अगस्टिन जिस वर्ड्स के आपने जिक्र किया ना कि मुसीबत में फख्र करना, ये बहुत बड़े अल्फाज हैं और शायद दुनियावी तौर पर या इंसानी तौर पर हम इसको एक्ट अगर करें इस पर तो बड़ा मुश्किल है कि मुसीबत में हो और शुक्रगुजारी करें और तारीफ करें। लेकिन पौलुस रसूल ने एक बड़ी थॉट के साथ इस बात को लिखा है। अगस्टिन, जब हम मसीह की मोहब्बत से वाकिफ ना थे या मसीह में नहीं थे और हमें निजात का पता नहीं था, तो हम उस वक्त मुसीबत में ही थे। लेकिन अब जब मसीह में आ गए हैं तो उस वक्त के और अब के वक्त में फ़र्क क्या है कि उस वक्त जब मुसीबत में थे तो हमारे पास डर हमारे अंदर ये था कि उस मुसीबत की इंतहा हमारे लिए मौत थी। लेकिन इस वक्त में जब हम यीशु को जान चुके हैं और हमारी ज़िंदगियों में यीशु अजीब तौर पर खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह काम करता है, तो मुसीबत में होते हुए भी हमारे दिल में इस बात की शुक्रगुजारी है कि हमारा बहाल करने वाला, जिस तरह अय्यूब कहता है कि लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरा बहाल करने वाला जिंदा है, मेरा मखलसी बख्शने वाला जिंदा है। तो मुसीबत के वक्त में शुक्रगुजारी करना बड़ा ज़रूरी है, और जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो स्पिरिचुअल रम में और फिजिकली हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं जो हमें मुसीबत से निकाल कर एक ऐसी चट्टान पर ला खड़ा कर देते हैं कि हम खुशी से उसकी प्रस्तुति करने वाले होते हैं। और अगस्टिन, जैसे आपने कहा कि नौजवान होते हुए कितना ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि यही वो वक्त है कि जब हमें शुक्रगुजारी करनी है। नौजवानों को इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये एक ऐसी उम्र है कि जब आप शुक्रगुजारी का या खुदा से कुर्बत का आगाज़ करेंगे तो आप एक ऐसे लेवल पर पहुंचेंगे कि खुदावन से आपकी मोहब्बत का दर्जा ही एक अलग होगा। और नौजवानी, मैं एक जवान शख्स हूँ, मुझे पता है और आप सब भी कि इस वक्त में खुदा से मोहब्बत करने का तजर्बा ही मुख्तलिफ है। इस वक्त में जो हमारी पोटेंशियल है, जो हमें कुव्वत है, वो शायद बुजुर्गी में या हम जब बुढ़ापे में होंगे तो हमारे पास वो पोटेंशियल नहीं होगी। तो इस वक्त में इस पोटेंशियल को खुदा के लिए इस्तेमाल करना, और मैं अक्सर ही कहता हूँ कि हमारी जवानी जो है ना, इसकी खूबसूरती खुदा का मसर, खुदा की प्रेजेंस है। तो नौजवानों को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि इस उम्र में, जवानी की उम्र में खुदा से मोहब्बत करें और उसकी तारीफ खूब करें ताकि आपकी जिंदगियाँ उसके मसा से भरी जाएँ, उसकी प्रेजेंस से भरी जाएँ, और फिर हम दर हकीकत खूबसूरत होंगे, दर हकीकत खूबसूरत होंगे, फिर ऐसे खूबसूरत
खूबसूरत होंगे कि हम फिजिकल भी खूबसूरत नजर आएंगे और हम स्पिरिचुअल भी खूबसूरत नजर आएंगे, हम जाहिर से भी खूबसूरत नजर आएंगे और हम बातिन से भी खूबसूरत नजर आएंगे। सिर्फ हमने अपने जाहिर को खूबसूरत नहीं बनाना बल्कि हमने अपना बातिन भी खूबसूरत बनाना है, और बातिन खूबसूरत उसी वक्त बना सकते हैं जिसने इस बातिन को क्रिएट किया है, जो इस बातिन का भी खालिक और मालिक है, सिर्फ जाहिर का नहीं बल्कि वो बातिन का भी खालिक और मालिक है, और हमने उसकी मोहब्बत में आगे बढ़ना है, उसकी मोहब्बत को लाजमी रिस्पॉन्ड करना है। फिर से कह रहा हूँ लाजमी रिस्पॉन्ड करना है, और फिर से कह रहा हूँ लाजमी रिस्पॉन्ड करना है। राबिल आप क्या कहेंगी जाते जाते? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यही वो टाइम है नौजवानों के लिए, यूथ के लिए, कि खुदा से मोहब्बत करें, क्योंकि फिर जब बुढ़ापे में याद किया खुदा को तो क्या याद किया, जवानी में ही खुदा को याद करें ताकि आपकी जवानी अच्छी होगी तो आपका बुढ़ापा यकीनन अच्छा होगा, खुदावन की मोहब्बत से भरपूर होगा। सभी ना आप क्या कहेंगे जाते जाते? ऑगस्टिन, आप सबकी बातें और गुफ्तगू सुनते ही मैं बिल्कुल फ्लैशबैक में चली गई थी। मेरे माइंड में वो चीज़ें थी जो मेरी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है मैंने, वो खुदा की मोहब्बत जो खुदा ने मुझसे की और जिसका एहसास मुझे हुआ। और वो यूँ था कि मुझे इस चीज़ का पता उस वक्त चला जब मैं किसी बड़ी मुसीबत के बाद खुद को सेफ महसूस कर रही थी, और मुझे जब तक वो करंट पीरियड था मुझे एहसास नहीं था कि मैं किसी मुसीबत में हूँ, जबकि खुदा को पता था। और जब मैं उस मुसीबत से बाहर निकली तो मुझे जब मैंने खुद को महफूज फील किया तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, और मैंने कहा ये वो मोहब्बत है कि जिसका मुझे शायद उस वक्त एहसास नहीं था लेकिन खुदा ने अपनी मौजूदगी का एहसास मुझे दिलाया। और उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना फ़ख्र, जब अपनी मुसीबत में हो तो फ़ख्र महसूस करो, तो वो फ़ख्र वही था कि जो मैंने अपनी मुसीबत में फ़ख्र महसूस किया कि मेरे साथ मेरा खुदा है, तो मुझे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब खुदावंद खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। तो इट्स वेरी ब्लेसफुल वर्ड्स के हम इस वर्ड्स को पढ़ते हैं तो हमारी लाइफ का जो एक्सपीरियंस हमने किया होता है, गुजरे हुए दिन होते हैं, वो बातें हमें याद आती हैं कि वहाँ फला दिन में या उस वाकये में खुदा की वो मोहब्बत हमारे साथ एक्सपीरियंस हुई। तो व्यूवर्स के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमेशा जब भी किसी वर्ड्स को हम पढ़ते हैं तो हमारी अपनी पर्सनल लाइफ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन से वो रिलेट करती है। तो खुदारा हमारी आज की इस नौजवान नस्ल के लिए कि हम सब मिलकर जिस तरह आज आप सबके सामने हैं और अपनी बातों से खुदा के कलाम को आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं, तो आप भी इसी तरह खुदा की उन बातों को खुद तक महदूद ना रखें बल्कि उन बातों को मजीद मल्टीप्लाई करें, शेयर करें दूसरों के साथ कि खुदा की वो मोहब्बत है जिसका एहसास हमें उस वक्त होता है जब हम मुसीबत में होते हैं तो हम खुदा को याद करते हैं, और उस वक्त हमें फ़ख्र करना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल ऐसा है, हमने खुद तो सीखना ही सीखना है लेकिन हमने दूसरों को भी सिखाना है। हम खुद जो नूर में हैं हमने ये डिज़ायर भी रखनी है, ये बोझ भी रखना है कि जो अब तक तारीकी में है, जो इस या जो इस नूर में आना चाहते हैं, हमने उनकी मदद भी करनी है। मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज के वसीला से, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म के वसीला से हमने एक दूसरे को अप्रिशिएट करना है, बिलखसूस हमने अपनी यूथ को मोटिवेट करना है, हमने अपनी यूथ को स्ट्रॉन्ग कर लेना है, हमने अपनी यूथ को सिखा लेना है। आप दुनिया की मोहब्बतों की मिसाल लेना दें बल्कि उस मोहब्बत की मिसाल दें जिसके वसीला से ये दुनिया कायम हुई, उस मोहब्बत की मिसाल दें जिसके वसीला से आज हम इस ज़मीन पर मौजूद हैं, उस मोहब्बत की मिसाल दे जिस मोहब्बत जैसी कोई मोहब्बत है ही नहीं। उस मोहब्बत की तस्वीर तो एक मरतबा देखें, हमारी जिंदगियों का एटीट्यूड ही बदल जाएगा, हमारी जिंदगी ही पूरी बदल जाएगी, और हम इस लायक भी बन जाएंगे कि हम दूसरों को बचाने वाले भी बन जाएंगे अपनी बातों से, अपने अमाल से, अपने कामों से। पूरी उम्मीद है इस बहुत सीखने वाले टॉपिक से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, हम बहुत सारी मजीद बातें कर सकते हैं। सभी ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात की, हम सबकी जिंदगी में बेशुमार ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, अगर हम इस एपिसोड में करना शुरू हो जाए तो बहुत सारी हमारी सीरीज बन जाएगी, लेकिन वही बात है खुदा मोहब्बत है, हमने उस मोहब्बत को जान लेना है और उस मोहब्बत में बढ़ते रहना है। इसी तरह मोहब्बत की तालीम को आगे पहुंचाते रहें, अपनी यूथ का साथ दें, पूरे दिल से के साथ मिलकर हमारे शो को आगे बढ़ाएं, हमारी बातों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारी बड़ी डिजायर है 2020 में हम बहुत सारी जिंदगियों तक इस पैगाम को पहुंचाएं कि ये मोहब्बत यही है, और इस मोहब्बत को जब हम जान लेंगे तो जिंदगी के हर एक मामले में तरक्की करने वाले होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, आपसे मुलाकात करेंगे आप ही के अगले शो में जिसका नाम है पूरे दिल से।